there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon, so you never miss any new updates cause whenever we upload. नमस्कार दोस्तों, आपका दोस्त लाइफ कोच जगन्नाथ। दोस्तों, आज हम एक नई सीरीज लेकर आने वाले हैं और वो है सभी साधनाएं। जो पहली साधना हम जानने वाले हैं वो है सोहम साधना। आप अलग अलग लोगों के वीडियो देखे हैं और लोग वही फॉलो करने की कोशिश करते हैं, पर कोई आपको एक प्रॉपर गाइड नहीं करता। जो मैंने साधना सीखी है अलग अलग गुरुओं से और उनके पास से जो साधना सीखी वो मेरे पास ऐसी पड़ी है, तो मैंने सोचा चलो इस माध्यम से हम लोगों को उसके बारे में जानकारी देंगे। पहले मैं तो यही आध्यात्मिक बहुत कार्य करता था और अभी थोड़े हाई लेवल तक, कॉर्पोरेट लेवल तक मैं काम कर रहा हूँ। तो जो मेरे पास ज्ञान है वो ऐसे ही पड़ा है, तो सोचो चलो लोगों को परफेक्ट गाइड करूँ, इसलिए मैंने ऐसी कुछ आध्यात्मिक सीरीज शुरू की है जिसमें त्राटक है, चक्रास है, मेडिटेशन है और अभी कुछ साधनाएं आपको बताने वाला हूँ। तो भी लोगों के बहुत सारे सवाल आने वाले हैं, प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप पे कुछ सवाल ना करें। जो मैं जो बता रहा हूँ वो प्रॉपर देखें और समझ के लीजिए, आपकी वो लेवल बढ़ाइए। नहीं तो मेरे पहले सारे वीडियो देखकर मुझे जो बताना है मैंने सब के बारे में कुछ ना कुछ बताया है, तो भी लोग वही क्वेश्चन के ऊपर बार बार वही सवाल करते हैं, वीडियो देखते नहीं, बार देखते नहीं। मैंने हर वीडियो में उसका सॉल्यूशन बताया है। तो दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं सोहम साधना। इसके बारे में शिवस्वरोदयशास्त्र में भी बताया है। शिव जी कहते हैं ना कि अपने सांसों के ऊपर ध्यान दो, सांसों के ऊपर ध्यान दो। तो वही सांसों के ऊपर ध्यान देने से एक सोहम साधना भी बन जाती है, हमारे इंट्यूशन पावर बढ़ता है, बहुत सारे अमेजिंग रिजल्ट हमें यहाँ मिलते हैं। इसके लिए कुछ बाहर जाने की ज़रूरत नहीं, अपनी सांस तो दिन रात चल रही है, उसके साथ चलो। आपको पता होगा कि हमारी सांस जो है 1 मिनट में 15 बार चलती है मिनिमम जो लोगों की, तो वही सांस 1 घंटे में 900 बार चलती है। और आगे का कैलकुलेशन हम 1 साल का लेंगे तो 21,400 बार हमारी सांस दिन रात चल रही है। ये मैं नॉर्मल लाइफ के लोग जो कर जी रहे उनके बारे में बता रहा हूँ। आपने अगर प्राणायाम करते होगे, सांसों के ऊपर ध्यान देते होगे, उसे हम कम करके हमारा लाइफ भी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ईश्वर ने हमें कुछ लिमिटेड स्टॉक दिया है सांसों के माध्यम से। जितना हम एक सिलेंडर है हमारे अंदर, वो ख़त्म होने के बाद आप तो वापस जाने वाले हैं, पर आपकी अगर लाइफ बढ़ानी है तो आपको सांसों को कम करना होगा। जैसे हम कछुओं का मानते हैं, उसका लाइफ देखिए और सांस लेके उसकी गति देखिए, बहुत स्लो है, उसकी लाइफ देखो, हज़ारों साल तक वो जीता है। वैसे ही हम हमारे सांस के ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं। हमें सिर्फ क्या करना है, सिर्फ उस सांसों के ऊपर ध्यान देना है। वो करने के मैं आपको एक प्रॉपर विधि बताता हूँ। आप सुबह यह प्रयोग करना है, सुबह 4 से 6 बजे तक ये प्रयोग बहुत अच्छी तरह से कीजिए, क्योंकि उसी वक्त में हमारे जो हिमालय है वहाँ बहुत सारी साधनाएं होती है, वहाँ से हमें बहुत सारी ऊर्जाएं वहाँ से बहती है। सुबह हमारा सबकॉन्शियस माइंड पूरी तरह से खुला होता है, जो भी हम विचार उसमें डालेंगे तो उसका ऑटोमेटिकली रिजल्ट हमें अच्छा ही मिलता है। जैसे हम एक पुराना गाना सुनते हैं सुबह सुबह, वही हम दोपहर तक को गुनगुनाते रहते हैं, उसी तरह से ये ऐसा ही है। ये हम कंटिन्यू हमें 21 दिन तक तो रेगुलर करेंगे तो एक हमारी आदत बन जाएगी। अगर हमें उस सबकॉन्शियस के अंदर जाना है तो हमको कंटिन्यू 6 महीने तक करना है और इसे छोड़ना नहीं है, ये आदत ही बन जाएगी। हर वक्त सांसों के ऊपर ध्यान देना, हर वक्त सांसों के ऊपर ध्यान है। जैसे मैंने एक शिवस्वरोदय में कहता हूँ, चाहिए तो हम 1 मिनट का अलार्म लगाइए और अपने सांसों के ऊपर लाइए। चलो ठीक है, आपको 1 मिनट नहीं हो रहा है तो आप 10-10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, 1-1 घंटे में हम करेंगे तो दिन में 24 बार हम सांसों के ऊपर आते हैं और ध्यान देने लगते हैं। ऐसे हम कर सकते हैं। अभी हम सोहम साधना में हम क्या करना है, प्रॉपर आपको करना है। तो सुबह तो हमें जल्दी उठकर नहाना धोना ये सब होने के बाद हमारा जो घर का मंदिर है वहाँ पूजा अर्चना करनी है, हमारे बड़े बुजुर्ग हैं उनका आशीर्वाद लेना है और ईश्वर को नमन करके हमारी साधना शुरू करनी है। जब हम साधना के लिए बैठते हैं कम से कम 10 से 15 बार ओमकार की ध्वनि करनी है। ओमकार होना चाहिए, ज़्यादा ओमकार की ध्वनि कीजिए, देखो अंदर से बहुत सारे नाद बाहर आते हैं। ओमकार बोलने की भी विधि में आपको बताता हूँ। ओ उ म, इन तीन शब्दों के अंदर ये ओमकार होना चाहिए। जैसे हम मैं आपको करके दिखाता हूँ। ओ ऐसे ओमकार होना चाहिए। अ उ म, उसमें ऐसा समझ में नहीं आना चाहिए कि हम ओमकार कह रहे हैं। 60% ओ बोल रहे हैं, 37 हमें ऊ बोलना है और म हमें 3% तक बोल सकते हैं एंडिंग में। इस तरह से हमारा ये सीक्वेंस होना चाहिए। ये होने के बाद हम कंटिन्यू करने के बाद शांत बैठे हैं। जब हम ओमकार करते हैं तो अंदर से नाद बहने लगता है और वही नाद हमें सुनना है। सुनिए, वहाँ छाती के धड़धड़ सुनिए, अंदर कुछ ना कुछ महसूस हो रहा है वो सुनिए। देखो आपको कुछ ना कुछ महसूस होगा, होता ही है, 100% होता है। आप देखिए, बहुत मिरेकल है अंदर। हमारे शरीर के अंदर इतने सारे कंपन्स हो रहे हैं, अंदर इतना सारा देखो ना, 72,000 नाड़ियाँ है, इतना वहन कर रही है। तो उधर कुछ ना कुछ आवाज़ें तो आती होगी। जैसे हम बाहर के मशीन की आवाज़ सुनते हैं, हम गाड़ी में गाड़ी का इंजन का आवाज़ सुनते हैं, वैसे हम हमारे अंदर का आवाज़ हम नहीं सुनते। वही सुनने की कोशिश कीजिए। नॉर्मल तो हमारी दिल का आवाज़ हमें सुनाई देता है, छातों की धड़धड़ भी हमें सुनाई देती, उसके अंदर भी जाइए। पर सोम साधना में हमें पहले तो हमें सांसों के ऊपर ध्यान देना है। सांसों के ऊपर ध्यान देने से हमें समझ में आता है कि हमारी सांस किधर तक जा रही है। देखिए आहिस्ता आहिस्ता, और ऐसा करते 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 उसको एक मानो चित्रण कीजिए, विजुलाइजेशन प्रोसेस कीजिए। ऐसे इमेजिन कीजिए, अभी मैं सांस ले रहा हूँ, अभी वो मेरे गले में गई है, गले के बाद में वो हृदय में गई है, हृदय के बाद में हमारे जो फेफड़े है वहाँ तक गई है, और बाद में पूरे पेट में फैली है, नाभि स्थान तक गई है। क्योंकि उधर हमारा ऑक्सीजन जाना चाहिए, हवा उधर जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ ही वो एक एनर्जी सेंटर है। वहाँ से ही हमारे 72,000 नाड़ियों का वहाँ संगम है, वहाँ से ही हमारी नाड़ियाँ हमारी फैली हुई है। तो मैक्सिमम ऊर्जा वहाँ तक देनी है, महसूस करना है, इमेजिनेशन कर सकते आप। अभी जब सांस हम बाहर निकालने वाले हैं तभी भी इमेजिन करना है, अभी पेट से अभी सांस अभी ऊपर आ रही है, फेफड़ों में आ रही है, हृदय तक आ रही है, गले होकर नाक से बाहर जा रही है। ऐसे हमें हर वक्त इमेजिन करना है, हमें 4-5 स्टेप तक जाना है। क्योंकि जैसे मैंने हर वीडियो में बताता हूँ कि हमारे माइंड को कुछ ना कुछ टूल चाहिए। मेडिटेशन के लिए हम डायरेक्ट नहीं जा सकते, सो टूल पकड़ के ही जाता है। बाकी के जो सब टूल है, जैसे मैंने कहा गला पकड़ा, जैसे हृदय, फेफड़े, हमारा पेट, नाभि स्थान, इससे हमारा मेडिटेशन इतना ज़बरदस्त होता है कि हमारा साधना एकदम प्रॉपर हो जाती है। पहले शुरुआती में हम 5-10 मिनट तक कर सकते, आगे हम आधा घंटा 1 घंटा तक जा सकते। ये ऐसा ही है, क्योंकि मैं स्टार्टिंग में यही साधना पहले मैंने की थी, तो मैं ऐसे 5-10 मिनट बैठा था। बाद में जब हमने उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करने लगे तो बहुत अच्छा लगने लगा। आप भी करके देखिए, यानी आदमी इस साधना में ज़्यादा से ज़्यादा देर तक रुक सकता है। ये साधना आप प्रॉपर कीजिए, इसमें कुछ साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इससे हमारा मन और बुद्धि पर कंट्रोल आता है, हमें इंट्यूशन पावर आते हैं, हम तेजस्वी होते हैं। तो अमेजिंग रिजल्ट हमें यहाँ मिलते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए विराम लेता हूँ। थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड ऑल्सो प्रेस दिस बेल आइकॉन सो यू नेवर मिस एनी न्यू अपडेट्स, कॉज व्हेनेवर वी अपलोड